Hello everyone, this is Deepika. Welcome to A.D.Commerce CLASSES. Now, today we are going to start our new subject, which is statistics, and it is important for NTNet paper 1, commerce and management, and also important for the aspirant who are preparing for MCOM and BCOM, because statistics play a vital role in all these examinations. Okay. तो आज का टॉपिक हमारा होगा हाइपोथेसिस. उससे पहले मैं बता दूं, मैंने बैंकिंग का काफ़ी कुछ करवा रखा है. अब हमें सिर्फ उसके एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. और स्टैट्स का हमने अभी तक कुछ भी नहीं कवर किया है, इसलिए स्टैट्स को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. और पेपर वन में हमने लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट की है, और कुछ क्वेश्चन हम मैथमेटिकल रीजनिंग के पढ़ रहे हैं, ठीक है. और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए आप मेरा दूसरा चैनल है सुपर टेट एंड KVS प्रिपरेशन, उस पर आप विजिट कर सकते हो. उस पर मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि सेम कंटेंट मैं दो जगह अपलोड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है. वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो. वहाँ पे मैं आज ही अपलोड करूँगी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. बेसिकली अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं उसमें करवाऊँगी, आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि सेम कंटेंट दो जगह अपलोड नहीं कर सकते. नाउ हम बात करते हैं, कमिंग टू आवर पॉइंट, दैट इज़ हाइपोथेसिस. आज हम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे. हाइपोथेसिस मतलब देखो क्या होता है, परिकल्पना हिंदी में बोले तो. इंग्लिश में बोले तो हाइपोथेसिस मतलब होता है प्री एजम्पशन और सपोजिशन विच हैज़ टू बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड, है ना. जनरली हाइपोथेसिस इज टर्म्ड एज प्री एजम्पशन और सपोजिशन विच हैज़ टू बी प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड. मतलब हाइपोथेसिस वो होती है, वो परिकल्पना है जो या तो होगी या तो नहीं होगी, ठीक है. या तो प्रूव होगी या नहीं प्रूव होगी. दो फोन्स का कंपेयर किया, फॉर एग्जांपल हम किसी फ़ोन लेने गए, हमने दो फोन्स का कंपेयर किया, हमने बोला ए ये वाला फ़ोन अच्छा है कंपैरेटिवली टू नेक्स्ट वन, हाँ. या तो वो अच्छा होगा या तो वो अच्छा होगा, या तो दोनों अच्छे होंगे या तो कोई भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है. तो ये हमारी हुई हाइपोथेसिस. बट अगर हम बात करते हैं अपने रिसर्च में, तो रिसर्च में बेसिकली ये होता है, हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली प्रूफ किया जाता है, होगी नहीं होगी नहीं, बेसिकली उसको अच्छे से साइंटिफिकली मैथड्स के थ्रू प्रूफ किया जाता है, तब बताया जाता है कि इट हैपन्स और नॉट हैपन, इट हैज़ प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, ठीक है. तो इसके लिए बेसिकली हमें कुछ मेथड्स या कुछ फॉर्मूले लगाने होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने बोला कि माइलेज ऑफ ऑटोमोबाइल ए इज़ एज गुड एज बी, या फिर माइलेज ऑफ ऑटोमोबाइल ए इज़ बेटर देन बी, है ना. तो दो सिचुएशन मैंने बताई कि ए बी की तरह गुड है, मतलब ए भी गुड है बी भी गुड है. दूसरी सिचुएशन मैंने बताई ए बेस्ट है, ए बेटर है बी के कंपैरिजन में, है ना. तो ये हमारी हुई हाइपोथेसिस, है ना, परिकल्पना. इतना हाइपोथेसिस का मीनिंग मैंने बता दिया. अब देखो, हाइपोथेसिस हमारी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, तो हाइपोथेसिस हमारी क्लियर होनी चाहिए, साफ साफ होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अपने टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए, और सिंपल होनी चाहिए, ईजिली समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा पजल्ड नहीं होनी चाहिए, है ना. और स्पेसिफिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें दूसरे कंटेंट्स नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए. ये सारी चीज़ें हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हाइपोथेसिस के. अब नाउ अगर हम बात करें हाइपोथेसिस कितने तरह की होती है, हाइपोथेसिस बेसिकली दो तरह की होती हैं. एक होती है ऑल्टरनेटिव, दूसरी होती है नल हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस का मतलब, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एच ओ से रिप्रेजेंट होती है, ऑल्टरनेटिव एच ए से रिप्रेजेंट होती है. नल हाइपोथेसिस मैंने बताया, मैंने बोला राम इज़ एज गुड एज श्याम, ठीक है. एक एग्जांपल ये, राम इज़ एज गुड एज श्याम, तो हमारी क्या हुई, तो यहाँ पे हमारी क्या हुई, नल हाइपोथेसिस हुई. मतलब दोनों को मैंने बता दिया कि दोनों ही गुड है, तो नल हाइपोथेसिस हुई. मतलब कुछ भी हमें फाइंड आउट नहीं हुआ, मैंने राम को भी बोल दिया, मैंने श्याम को भी बोल दिया, ठीक. अब हम बोलते हैं कि राम इज़ बेटर देन श्याम, ठीक है. तो ये हमारी क्या हुई, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हुई, ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट. ये हमारी पहली क्लास थी, इसलिए इसमें हमने इतना डिस्कस किया. अब जो चीज़ें मुझे ध्यान नहीं रही हुई, वो हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू समझने जा रहे हैं, ठीक है. और वीडियोस बेसिकली अगर पसंद आया करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को. सो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसको डिटेल में.
नाउ जो चीज़ें हमें याद नहीं है वो हम इससे समझ लेते हैं। देखो हाइपोथेसिस, जिन बच्चों को नोट्स बनाने हैं प्लीज़ आप इससे स्क्रीनशॉट लेके खुद प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। जनरली हाइपोथेसिस इज कंसीडर्ड एज एन एजम्पशन और सपोजिशन विच हैज़ टू बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। भाई हाइपोथेसिस ऐसी परिकल्पना होती है या ऐसा प्री एजम्पशन होता है या ऐसा सपोजिशन होता है, या तो वो प्रूव होगा या डिसप्रूव होगा। फॉर एग्जाम्पल दो लैपटॉप्स को हमने कंपेयर किए, ठीक है, बट फॉर अ रिसर्चर, मगर रिसर्चर हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल क्वेश्चन विच हैज़ टू बी रिजॉल्व। एक फॉर्मल क्वेश्चन होता है जिसे रिजॉल्व करना होता है। अब हाइपोथेसिस की डेफिनेशन की अगर बात करें तो हाइपोथेसिस में भी डिफाइंड एज अ प्रीपोजिशन और सेट ऑफ प्रीपोजिशन सेट फोर्थ एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर द अकरेंस ऑफ सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फिनोमिना, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फिनोमिना को दर्शाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस इज अ प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड बाय द साइंटिफिक मैथड, जो साइंटिफिक मैथड के थ्रू टेस्ट किए जाते हैं, साइंटिफिक मैथड दैट रिलेट्स टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सम डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो इंडिपेंडेंट हमारी अचर और डिपेंडेंट राशि होती है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का एग्जांपल देना मैं भूल गई थी, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है या बच्चों का रिजल्ट कैसा आएगा ये डिपेंड करता है कि क्लास में कैसा पढ़ाया गया है या स्कूल में कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे डिपेंडेंट हैं, है ना, बच्चे किस पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, मतलब कैसी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। अब देखो माइलेज ऑफ ऑटोमोबाइल ए इज़ एज गुड एज बी, इसका एग्जांपल मैंने दे दिया। अब बोला है कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो हाइपोथेसिस हमारी क्लियर और प्रिसाइज होनी चाहिए, कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड होनी चाहिए, हाँ, शुड एबल टू रिलेट टू द वेरिएबल होनी चाहिए, मस्ट बी लिमिटेड इन स्कोप, उसका लिमिटेड होना चाहिए एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए। सारी चीज़ें एक ही में नहीं इन्वॉल्व करेंगे हम, ठीक है, सिंपल टर्म्स में होनी चाहिए, रीजनेबल टाइम में कंप्लीट करनी चाहिए। हाइपोथेसिस बेसिकली दो तरह की होती है, एक नल एक अल्टरनेट। अब अगर हम कंपेयर करते हैं ए को बी से, अब फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि दोनों मेथड इक्वली गुड हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ कुछ हमने फाइंड आउट ही नहीं किया, तो ये नल हाइपोथेसिस हो गई। या राम और श्याम दोनों ही अच्छे लड़के हैं, नल हाइपोथेसिस हो गई। फिर मैंने बोला कि भाई राम अच्छा है श्याम के कंपैरिजन में, ये अल्टरनेटिव हो गई। अब हाइपोथेसिस हमारी नल जो है एचओ से दर्शाई जाएगी और अल्टरनेटिव हमारी एचए से दिखाई जाएगी। तो अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो यूपी टेट सी टेट डी ट्रिपल एस बी, यहाँ पे ट्रिपल एस एक एस छूट गया है, केवीएस सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल पे देख सकते हो सुपर टेट एंड केवीएस प्रिपरेशन चैनल पे, ठीक है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।